हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 177 करेंगे। ओके, फॉर क्लास फिफ्थ इंग्लिश की वर्कशीट है 24 फरवरी 2021 की। ओके तो बच्चों, अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखें। अच्छे लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट्स में बताएं हु विल बी विनिंग द मैच, आपको सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है। ओके तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद दी वर्कशीट, इंग्लिश की वर्कशीट क्लास फिफ्थ की। इधर अपना आप लोग सेक्शन लिखेंगे, ए बी सी डी, आपका जो भी सेक्शन है। ओके एंड जो आपकी टेक्स्ट बुक है, आप सभी को पता है, उसका नाम है मैरीगोल्ड। एंड यूनिट 10 से रिलेटेड ये वर्कशीट है, हु विल बी रिंग दाओ, पेज नंबर 176 से 185 तक है ये। ठीक है, यहाँ इधर अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव एंजॉयड द स्टोरी हु विल बी द निंगदाओ। लर्न न्यू वोकैबुलरी, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मणिपुर, लेट्स डू अ क्विक रिविजन ऑफ वॉट वी हैव लर्न सो फार। तो बच्चों, आप सभी ने अच्छा ये स्टोरी पढ़ी है, हु विल बी निंगदाओ। ठीक है, आपने इंजॉय करी होगी क्योंकि इसमें आपने न्यू वोकैबुलरी, नए नए शब्द सीखे, कुछ इंटरेस्टिंग बातें सीखी मणिपुर के बारे में, है ना। मणिपुर के बारे में आपने कुछ नई बातें सीखी, एक दिन वर्कशीट भी आपकी आई थी, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे आपने क्या कुछ आपने मतलब मणिपुर के बारे में कुछ अलग से आपने क्या जाना। ठीक है, तो अब हम रिविजन करेंगे। आज रिविजन वर्कशीट है आपकी। At the end of the story, the king said, "Alaima is one who doesn't hurt anybody in the kingdom." ठीक है, तो स्टोरी के एंड में क्या बोला था किंग ने कि एक लीमा वो ही है जो किसी को भी हर्ट नहीं करता अपने किंगडम में। ओके तो आपको एक ही पिक्चर भी दी हुई है, आपकी बुक में है, पेज नंबर 170 पर है ये। ठीक है, चेक कीजिएगा। क्वेश्चन 1, Why was Sanatombi looking sad in the picture? Why was Sanatombi looking sad in the picture? क्यों थी वो sad picture में? किसको देखकर वो sad थी? Tree को। तो आप लिखेंगे Sanatombi Sanatombi was looking, इधर was लिख देंगे, was looking sad in the picture because the banyan tree, was hurt by spear and dead. Was hurt by spear and died. Okay. अगला क्वेश्चन हमने इसमें लिखा है, Sanatombi जो थी वो दुखी दिख रही थी पिक्चर में क्योंकि जो बैनियन ट्री थी, बैनियन ट्री का इसमें चैप्टर में आपको दूसरा नाम क्या दिया हुआ है आप कमेंट्स में बताएंगे बच्चों। ठीक है, जो बैनियन ट्री थी उसको स्पीयर से चोट पहुंचाई गई और वो फिर क्या हुआ, वो मर गई। ठीक है, मतलब वो डेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम Sanatombi, आपने Sanatombi से क्या सीखा है, Sanatombi से क्या सीखा आपने बच्चों। आई लर्नड दैट वी मस्ट लव नेचर नेचर वी मस्ट लव नेचर नेचर का मतलब नेचर में हम सब आ जाते हैं, पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज। ठीक है, वी मस्ट लव नेचर। वॉट वुड यू डू इफ यू सी समवन इन पेन, अगर आप किसी को पेन में देखते हैं तो आप क्या करेंगे।
तो आप लिखेंगे इफ आई सी समवन इन पेन आई विल हेल्प देम। ओके, अगर मैं किसी को पेन में देखती हूँ तो मैं उनकी हेल्प करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द स्टोरी एंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है ये ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। ओके, सो पहला, निंगदाओ एंड लाइमा डिड नॉट थिंक अबाउट देयर मियम। मियम के बारे में उन्होंने सोचा था, नहीं सोचा था, ऐसा लिखा है, जो कि गलत है, यानी कि फॉल्स। ओके, अगला, सैनाटोम्बी फील्स अ पेन ऑफ एनिमल बर्ड्स एंड ट्रीज। ट्रू है ये। द एल्डेस्ट सन बिकेम द किंग ऑफ कैंगलीपैक। जो सबसे बड़ा बेटा था कोई, वो बना था वो कैंगलीपैक। फॉल्स है ये। कौन बना था मुझे कमेंट्स में बताएंगे बच्चों आप। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। लिस्ट द वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी हु विल बी निंगदाओ एंड क्लासीफाई देम इन टू रेगुलर और इरेगुलर एक्शन वर्ब। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे लव्ड, ठीक है, हमने लास्ट इसमें भी कह रहा था आपकी लास्ट वर्कशीट में, रेगुलर एंड इरेगुलर एक्शन वर्ड्स है ना, जिसमें ईडी लगता है, जिसमें नहीं लगता। तो चलिए हम देख लेते हैं, जिसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है वो इरेगुलर होते हैं। तो हम देखते हैं, जे यू एम पी ई डी, जम्प्ड, encouraged, looked, enjoyed, preserved। ओके, ये सारे हैं रेगुलर एक्शन वर्ड्स, क्योंकि जो जब इनको हम नॉर्मली लिखते हैं तो ये क्या होता है, जंप, encourage, look, enjoy, preserve। ठीक है, इनमें एंड में या तो डी लग जाता है या ई डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, irregular, went लिखा है, डब्ल्यू ओ यू एल डी, would, W O U L D, would, said, learnt, felt, heard। ओके, तो बच्चों आप लोग ये करेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वी शुड ऑल्सो टेक केयर एंड प्रिजर्व आवर एनवायरमेंट इन मैनी वेज जस्ट लाइक सैनाटोम्बी। टेकिंग हिंट्स फ्रॉम द पिक्चर्स इन द टेबल suggest some ways to protect our environment, one has been done for you। तो बच्चों आपको एक टेबल, एक पिक्चर दी हुई है टेबल में, है ना, तो आपको क्या करना है, हमें अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, ठीक है, जिससे कि हम उसको प्रिजर्व कर सकें, उसको बचा सकें और उसको वेस्ट ना करें, जैसे कि सैनाटोम्बी कितना प्यार करती थी नेचर से, है ना, एनवायरनमेंट से। तो अब आपको हिंट्स लेनी है, पिक्चर्स देखनी है और उससे रिलेटेड आपको एक क्या लिखना है, या तो आप स्लोगन लिख सकते हैं उससे रिलेटेड, ओके, या फिर एक एक उसके लिए लाइन लिखनी है। जैसे फर्स्ट है, ड्रॉप दिया हुआ है, पानी की ड्रॉप है ये, है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
सेव रेन वाटर। ठीक है, अगला वी मस्ट रिसाइकल एंड रियूज थिंग्स। ओके, स्विच ऑफ द लाइट व्हेन नॉट इन यूज। ओके, स्विच ऑफ द लाइट व्हेन नॉट इन यूज। अगला देख लेते हैं, प्लांट अ ट्री वॉटर इट रेगुलरली। ओके, जैसे अब नेक्स्ट है यूज ऑफ सोलर एनर्जी। अगला अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स। ठीक है बच्चों, और आप भी मुझे बताएंगे कि आप लोग अपनी एनवायरनमेंट को किस प्रकार से सेव कर सकते हैं, आप लोग पानी कैसे बचाते हैं, कमेंट्स में मुझे बताएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 142 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। इंग्लिश वर्कबुक है आपके पास, सबके पास है ना, फिफ्थ के है, फिफ्थ स्टूडेंट्स के पास, सबके पास है, स्कूल से मिली आपको इंग्लिश वर्कबुक, उसका पेज नंबर 142 आप कंप्लीट करेंगे। आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है बच्चों, बच्चों से बातचीत कीजिए कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सभी क्या सहयोग दे सकते हैं, और पर्यावरण की रक्षा के ऊपर एक बच्चों से चार्ट बनवाइए। तो बच्चों, हम अपना एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को किस प्रकार बचा सकते हैं, आप क्या योगदान देते हैं अपना, ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा प्लांट ज़रूर लगाएं। ओके, अपने घर में आप अपने अपने टीचर के साथ भी उसको स्कूल जाकर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज आप सभी के लिए है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन।